यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उनसा क्यानी और आज एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं कानिता इम्तियाज जी। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको अपने लास्ट प्रोग्राम में बताया था आज 5 जुलाई को जो कि असद रफ़ी का एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और ट्रेनिंग सेशन ऑलमोस्ट अभी मिड में है, चल रहा है। तो ट्रेनिंग सेशन जो असद रफ़ी की तरफ से था वो तो ऑलमोस्ट हो गया, अब जो लोग आए हुए उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो हम यहाँ पर मौजूद जाकर लोगों से पूछेंगे कि वो आज यहाँ पर आए थे क्या सोच के आए थे, जो मतलब सोच के आए थे कि हम ये चीज़ें सीखेंगे, तो क्या उनकी यहाँ से लर्निंग हुई, क्या क्या सीख पाए। तो कानिता, आपने अब तक जो यहाँ पर सुना आपको कैसा लगा? उनसा अभी तक जब से ये स्टार्ट हुआ है, शाम काफ़ी देर हो गई है, असद रफ़ी साहब की जो प्रेजेंटेशन थी दैट वाज अमेजिंग और मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, जबकि मैंने अभी सोचा नहीं है कि मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, अभी तक सोचा नहीं था, लेकिन ये सुनने के बाद मैं इस चीज़ पे तो कन्विंस हो ही गई हूँ कि यार कभी भी कहीं भी करना तो बिज़नेस ही है। ओके, चलें अब चल के लोगों से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आपका नाम? शीबा अथर। अच्छा शीबा, मुझे बताएं कि आज आप इस ट्रेनिंग सेशन में आई तो आने से पहले आपके माइंड में क्या लेके आप क्या सोच के आई थी यहाँ पे? जैसे कि आप लोगों ने इसकी मार्केटिंग ही की थी कि जी बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ की, हाउ टू रन योर बिज़नेस सक्सेसफुली, तो मैं उसको देखकर आई और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, क्योंकि असद रफ़ी साहब ने जिस तरह हमें समझाया बताया ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड एंड आई थिंक जो कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में लर्न करने को नहीं मिलता वो उन्होंने इस छोटे से टाइम में ही टॉट अस रियली वेल एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड। अच्छा, ये हेल्पफुल है बिज़नेस ग्रोथ के लिए आगे, आपने आज जो इतना सीखा तो उसमें आपको लगता है कि आप इतनी मोटिवेट हो गई, मोटिवेशन लेवल आपका कहाँ है कि जाते ही बस बिज़नेस स्टार्ट करना है अब तो? जी बिल्कुल, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आई एम फीलिंग मोटिवेटेड। मैं आई इसलिए थी क्योंकि मेरा बहुत साल का एक्सपीरियंस है एंड आई वांटेड कि किस तरह मार्केटिंग की जाए एंड बीइंग अ हाउसवाइफ तो आई थिंक के मोटिवेशन लेवल इज़ रियली हाई एंड इसमें असद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने जिस तरह हमें समझाया आई थिंक के इट्स रियली मोटिवेटिंग। सो आर यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन? या वाई नॉट, आई वुड लव टू कम एंड जिस तरह उन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स का हमें बताया है कि आप आएँ और उसको आप यूज़ करें अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए, आई वुड लव टू लर्न दैट ऑल्सो। बाकी भी मतलब एक ट्रेनिंग सेशंस में तो हर कोई जाना चाहता है, तो आपको बाकी और इसमें क्या डिफरेंस देखने में मतलब आपको फ़ील हुआ? आई थिंक कि हर जगह पे जब जाया जाए तो जो टीचर होता है वो आपको खुलकर जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है वो नहीं बताते एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट टू असद रफ़ी साहब, ही डेफिनेटली टोल्ड अस इन सच अ शॉर्ट टाइम, उन्होंने हमें बताया है कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड क्या हैं और किस तरह हम इतने कम टाइम में उनसे एक वर्कशॉप लेकर अपना बेस्ट एफर्ट और पुट इन कर सकते हैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनिला मीन भट्ट। अच्छा अनिला, मुझे बताइएगा कि आप जब इस वर्कशॉप के लिए आ रहे थे तो आप जहन में क्या सोच कर आए? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था क्योंकि ऑलरेडी मैं स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल फंडामेंटल बिज़नेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो जैसे मैंने इनका ऐड देखा अपने फेसबुक प्रोफाइल पे मैंने इनको पिकअप किया। ठीक है, तो अनिला आपको क्या लगता है कि ये जितना भी वर्कशॉप जितना भी टाइम आपने यहाँ स्पेंड किया है, ऑब्वियसली वक्त सबके लिए बहुत कीमती होता है, तो क्या ये इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ है, क्या ये वर्कशॉप आपके लिए मोटिवेशनल थी? बिल्कुल ऐसे था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ लोकली यानी कि नेशनल लेवल पे और लोगों में और गैदरिंग में और जैसे कि रिड्यूस माय स्ट्रेस लेवल। ऑलराइट, अच्छा आप अगर इन फ्यूचर इस तरह की वर्कशॉप्स होती हैं हम असद रफ़ी साहब की तरफ से तो क्या आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे? मैं डेफिनेटली इंशाल्लाह। राइट, अच्छा अनिला मुझे बताइएगा कि इस वर्कशॉप की इस पूरे वर्कशॉप में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए क्या लगा?
मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो हेजिटेशन था मुझे लोगों में आने का, वो थोड़ा सा कम हुआ। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अनिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद जिनतुल्लाह शाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब इस ट्रेनिंग सेशन में आए थे, आपको पता जब चला तो आप क्या सोच के यहाँ पे आए थे? एक्चुअली मैं सीपैक का बिजनेस मैनेजर हूँ, मैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एमओयूज कराता हूँ ना, और चूँकि हमारा जो काम है वो मीडिया रिलेटेड नहीं है, हम मीडिया से भागते हैं और सोशल मीडिया से भी हम मतलब इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी जो पर्सनल अपनी इंटरेस्ट है, इन फ्यूचर मैं अपनी कुछ ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मतलब जूतों का ब्रांड बनाना चाहता हूँ, एक और घड़ी का ब्रांड बनाना चाहता हूँ और लेडीज़ गारमेंट्स का, तो इस हवाले से मुझे मतलब इस मार्केट में इंटरेस्टिंग है कि इन फ्यूचर आफ्टर 4-5 मंथ्स मैं अपनी ब्रांड खोलूँगा तो उसके लिए मुझे मार्केटिंग की ज़रूरत होगी, तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कैसी होती है, कैसी करनी पड़ेगी और सबसे बेस्ट मार्केटिंग कौन करता है, मार्केट में इसके लिए भी बहुत अहमियत होती है इस चीज़ की। अच्छा, मुझे बताएं कि आज इस ट्रेनिंग सेशन में जो आपने सीखा तो आपको क्या लगता है ये हेल्पफुल है आपके बिज़नेस ग्रोथ के लिए आगे, आप इससे बिज़नेस अपना कर सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं उसको? यहाँ से आज मैंने 3 चीज़ें मतलब जो मैंने सीखी है ना, एक क्या कहते हैं, दिल से जो बिज़नेस आप दिल से करना चाहते हैं वो मतलब आप उसको प्रेफर दें तो बेस्ट बिज़नेस होता है, मतलब बिज़नेस की नौीयत को नहीं देखना चाहिए कि छोटा है या बड़ा है, वो आप पे डिपेंड करता है, जो काम आप दिल से करते हैं, शौक़ से करते हैं, जो आपका पैशन होता है वो आप उसके लिए मेहनत भी इसी तरह करते हैं क्योंकि आप उस पर कोई आपको खुशी होती है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे मिला है वो मतलब जो काम आप दिल से करना चाहते हो तो वो। अच्छा, यहाँ पे आज के इस सेशन से आपको इतनी मोटिवेशन मिली है कि आपको आ गया कि बस जाते ही मैंने बिज़नेस करा, और स्ट्रेटजीज भी आपको समझ आ गई कि किस किस तरह से आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो इतना मोटिवेशन लेवल आपका हाई हो गया कि जाते ही बस बिज़नेस स्टार्ट करना है अब तो? एक्चुअली मैं खुद बहुत बड़ा मतलब बिज़नेस मैन हूँ अपने लेवल का, मैं मेरे अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, गवादर में भी प्रॉपर्टीज़ है मैंने जगह पे, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट मोटिव है वो अपना ब्रांड खोलना है, तो इसी वजह से, और मेरा एक टूरिज़्म का भी क्रेज़ है कि टूरिज़्म में हम कुछ कर लें, तो अभी पाकिस्तान में टूरिस्ट भी आ रहे हैं, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं, और सबसे जो अच्छी जगह है, लोकेशन है वो स्वात है, उसके बाद सबसे जो बेस्ट जगह है कुमराट, और उससे सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है पाकिस्तान में वो जीबी का एरिया है, तो मैं वहाँ पे मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, 8-10 होटल बनाना चाहता हूँ वहाँ पे। तो अच्छा, वैसे आज यहाँ पे आने के बाद, ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद, आप ऐसे ट्रेनिंग सेशंस का वेट करें कि और भी होने चाहिए? जी क्यों नहीं, मैं अटेंड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साकिब कियानी। साकिब, अच्छा साकिब, मुझे बताइएगा कि ये वर्कशॉप, जितना भी टाइम आपने यहाँ स्पेंड किया है, आपको क्या लगता है कि ये टाइम आपने इसमें से कुछ आपको आउटपुट मिला है या आपने वेस्ट कर दिया? जी माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई है, काफ़ी उन्होंने एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, अंडरस्टैंडिंग हुई है, और जैसे कि मैं खुद एक बिज़नेस कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इन वर्कशॉप की वजह से मुझे अपने बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक हो गया। अच्छा, आपने इससे पहले भी कभी कहीं वर्कशॉप अटेंड की है इस तरह से? नहीं, इससे पहले मैंने ऐसे लाइव वर्कशॉप्स तो अटेंड नहीं की, वैसे मैंने इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियोस वगैरह देखी और स्टडी की इस तरह से, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं ऐसे किसी वर्कशॉप में आया हूँ और अटेंड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा इस पूरे जितना भी ये सेशन गुजरा है, इसमें आपको आपकी ज़ात के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या चीज़ लगी कि अगर आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ फ़ायदा? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद अभी ऑलरेडी अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ, तो जो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बताई हैं तो मुझे लगता है कि वो हमारे बिज़नेस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। आपको लगता है कि ये सेशन सारा बहुत मोटिवेशनल था? जी काफ़ी मोटिवेशनल था। ठीक है। अच्छा, अगर इन फ्यूचर इस तरह की कभी हम वर्कशॉप जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं और आपको पता चलता है तो क्या आप ज्वाइन करना पसंद? जी इंशाल्लाह, मैं फ्यूचर में भी देखूँगा कि अगर जैसे कोशिश ये होनी चाहिए कि वीकेंड्स पे हूँ, क्योंकि अभी वीकडेज में था तो काफ़ी प्रॉब्लम था कि ऑफिस से आना, तो अगर इन फ्यूचर आप लोग ट्राई करें कि वीकेंड्स के ऊपर वर्कशॉप्स हों तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर अटेंड करूँगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपका नाम? मेरा नाम शेख इश्तियाक अहमद है जी। मैं इश्तियाक साहब, मुझे बताएं कि आज आप इस ट्रेनिंग में सेशन में आने से पहले आपके माइंड में क्या चीज़ें थी जिनको लेके आप यहाँ पे आए थे? एक तो असद रफ़ी साहब का नाम था, कोई पिछले 1.5-2 माह से मैं फॉलो कर रहा था इनको, और इनकी जो बिज़नेस प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ के हवाले से थे, क्योंकि मेरा भी स्टार्टअप मैं शुरू करने जा रहा हूँ, तो उस हवाले से जो है ना मुझे अट्रैक्शन लगी इनकी, बाकी लोगों की से डिफरेंस महसूस हुआ।
और ख़ासकर ट्रेनिंग से पहले मुझे बिल्कुल आइडिया था क्योंकि मैंने इनकी फ्लायर्स पे और उस पर मैंने चेक किया था कि 45 डेज़ का जो प्लान है उसमें आप 25-30% अपना रिज़ल्ट अपनी सेल्स का पिच को अचीव कर लेते हैं। तो उस हवाले से जब मैं आया लेकिन आइडिया नहीं था, तो हमारे जहन में था कि कोई साल 6 माह लगते होंगे कि भी इंसान जाए और उस तरह करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 घंटे के सेशन से काफ़ी चीज़ें माइंड में क्लियर। अच्छा, तो एक इस जो सेशन हुआ है इससे आपको क्या लगता है कितना हेल्पफुल है एक बिज़नेस की ग्रोथ के लिए या स्टार्टअप के लिए, आपको लगता है ये हेल्पफुल था? आपका जो सवाल है बड़ा रेलिवेंट है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो मेरे जहन में था वो ये था कि साल 6 माह इंसान को लगते हैं लोगों के पास जाके डोर टू डोर और दूसरी तरीके से करके मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजीज़ हमारी ट्रेडिशनल चल रही हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के सेशन से मैं इतना अपने अंदर एतमाद महसूस कर रहा हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मेरा स्टार्टअप होगा मैं 45 डेज़ में के अंदर अंदर मैं अगर बहुत कुछ नहीं तो 25% जो है ना मैं ज़रूर अचीव कर लूँगा। मतलब यहाँ पे आने के बाद आपको इतनी मोटिवेशन मिल गई है कि भाई आप कर सकते हैं और कर लेंगे? और इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे भी इनके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें मैं लाजमी जो है ना मैं आगे हमारे जो भी ट्रेनिंग सेशन होंगे वो आप अटेंड करेंगे? हर एक ट्रेनिंग सेशन इंशाल्लाह जो है ना वो करेंगे। आपकी लर्निंग है इसके अंदर जो कंटेंट है ये बस, क्योंकि मेरा एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक है, ये कंटेंट जो है ये बाकायदा खुद इतना पावरफुल है कि बहुत सारे लोग इसकी रेंज में आ भी नहीं सकते। तो उस हिसाब से मैंने ये सारे नोट्स नोट डाउन किए हैं, उनका थोड़ा सा पिक्चर्स भी लिए हैं और दूसरी भी किए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक आगे भी अगर कोई ट्रेनर के तौर पे किया जाए तो बहुत अच्छी जो है ना एक प्लेटफॉर्म जो है ना। बस 3 जो है ना मेन चीज़ें मुझे बता दें जो आज आपने सीखी, बस पॉइंट्स बता दें 3 ऐसी चीज़ें जो कि आज आपने सीखी। ओबीडियंस ही इज़ द की ऑफ सक्सेस। दूसरा जो है ये जो 45 डेज़ के अंदर आप जो 35% अपना सेल्स का अचीव कर सकते हैं वो, और जो 120 डेज़ का जो सर ने प्रोग्राम असद रफ़ी साहब ने बताया है उसके अंदर जो पहले जो क्वार्टर का उन्होंने बड़ा डिटेल्ड में एक्सप्रेशन किया है वो जो है ना उस पर है। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि पॉजिटिविटी जो उन्होंने कहा है कि आईफोन की उन्होंने मिसाल दी कि उसका और कोई कंपटीटर नहीं है, वो अपने खुद ही प्रोडक्ट से जो है ना कम्पीट कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो पॉजिटिविटी जो है इन्होंने जिस तरह बताया ये जो है ना मेन कोर है आपकी मार्केटिंग का और आपके प्रोडक्ट का। ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद खान। अच्छा हमाद साहब, आप इससे पहले कभी इस तरह के सेशन में गए? हाँ जी, सेशन में गए, कासिम अली शाह साहब के हमने अटेंड किए हैं, सेबत साहब हैं उनके, मैंने काफ़ी अटेंड किए वर्कशॉप। ठीक है, अच्छा मुझे बताइएगा कि उन वर्कशॉप्स में और इस वर्कशॉप में क्या डिफरेंस है? वर्कशॉप मतलब वो भी इंफॉर्मेटिव है, वो थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल पर होती है, ये भी इंफॉर्मेटिव है, बेहतर है एजुकेट लिहाज से, ठीक है बेहतर है काफ़ी। ठीक है, अच्छा आप ये बताइएगा कि आपको इस सेशन से कोई मोटिवेशन आई, आपको लगता है कि ये आपका जितना भी टाइम आपने यहाँ स्पेंड किया है वो बेनिफिशियल था? एग्जैक्टली, बहुत मतलब कीमती टाइम है, बहुत बेहतर हुआ है और फ़ायदा भी होगा मुझे बहुत। अच्छा, इस पूरी वर्कशॉप में आपको आपकी ज़ात के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या चीज़? बेनिफिशियल मार्केटिंग के हवाले से और ये जो स्टेप्स बता रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी वगैरह, ये बेहतर है काफ़ी। अच्छा ठीक हो गया, इन फ्यूचर आप इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड हैं? आप इनके साथ हम करेंगे, इनकी कंसल्टेंसी लेंगे, हम आगे भी काम करेंगे इनके साथ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आज इस ट्रेनिंग सेशन में जो आए थे उनसे हमारी बात हुई तो उन सबका यही कहना था कि इस तरह के ट्रेनिंग सेशन ये जो आज उन्होंने खास तौर पर इनके उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है बिजनेस ग्रोथ के लिए और स्टार्टअप के लिए। और एक और चीज़ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लोगों का ये कहना था कि उस तरह के ट्रेनिंग सेशन का वेट करें कि आगे भी जो ट्रेनिंग सेशन होंगे वो उनमें ज़रूर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की थी कि एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोनॉक्स मुझे खुशी तो बहुत हुई है कि भाई लोग इतना ज़्यादा उनका जो है ना उन्हें हेल्पफुल लगा और आगे जाके फ्यूचर के लिए उनके जो है ना उसकी बेहतरी के लिए, जाहिर है बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो पूरा फ्यूचर आपका उस पर डिपेंड कर रहा होता है, उसके लिए लोगों को इतनी खुशी है। और वो जो उन्होंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया वो उनका ये कहना कि इट वर्थ इट, उनका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत खुशी की थी। तो कानिता आपने कैसे इसको इन्जॉय किया, क्या कहेंगी आप? उनसा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जितना भी सेशन गुजरा मैंने भी बल्कि इनफैक्ट इस तरह की वर्कशॉप कभी भी अटेंड की नहीं है, मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट दैट वॉज रियली इंटरेस्टिंग और बहुत मोटिवेशनल था। और बाकी हमने जितने भी लोगों से बातचीत की है ना उन सब का भी यही कहना है कि सबसे ज़्यादा जो उनके लिए बेनिफिशियल बात जो थी, जो मैं क्वेश्चन कर रही थी कि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, ठीक है हम अब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। तो इसी के साथ अगर आप चाहते हैं विजन बने आपकी आवाज़, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें और देखते रहिए विजन टीवी। अल्लाह हाफिज़।